राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 25 तक पहुंच गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस भीलवाड़ा में पाए गए हैं। इन सब को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 मार्च तक राजस्थान को लॉकडाउन कर दिया है। इससे प्रदेश में अब केवल बहुत जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। सभी सरकारी और निजी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में प्रदेश की सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और दुकानें बंद हैं। और जो कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। राजस्थान के लॉकडाउन होने के बाद पंजाब और उड़ीसा में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान और पंजाब में लॉकडाउन 31 मार्च तक के लिए किया गया है, लेकिन उड़ीसा में ये लॉकडाउन 29 मार्च को रात को 9 बजे तक के लिए किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेल ने बड़ा फैसला लिया है। इंडियन रेलवे ने 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद करने का फैसला किया है। रेलवे ने बताया है कि सभी लंबी दूरी की ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें और साथ ही इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन 31 मार्च की रात 12 बजे तक बंद रहेगा, लेकिन आज रात 12 बजे तक उपनगरीय ट्रेनें, कोलकाता मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी। न्यूज डेस्क।